रीवा जिला प्रशासन पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा करीब 1.1 करोड़ रुपए कीमत की शराब नष्ट की गई। बीते 10 वर्षों में विभिन्न प्रकरणों में देसी और अंग्रेजी शराब जब्त की गई थी, जिसका नष्टीकरण किया गया। और इस अवसर पर प्रमुख रूप से कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन और आबकारी अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि शराब के नष्टीकरण की कार्रवाई करहिया मंडी के समीप की गई। हालांकि इसे नशा मुक्त अभियान के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस अवसर पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि विभिन्न मामलों में जिले के विभिन्न तहसीलों में राज्य साथ की गई शराब को एकत्र किया गया और करीब 20,000 लीटर शराब नष्टीकरण की गई है। विभिन्न मामलों में राज्य साथ किए गए शराब है, काफ़ी बल्क अमाउंट में ये शराब है और इसमें लगभग 20,000 लीटर से ज़्यादा शराब है, जिसकी कीमत 1 करोड़ के आसपास है। तो हम लोग इसको यहाँ सभी तहसीलों में जो जब्त की गई थी और जिसको आदेश करके राज्य साथ किया गया था, यहाँ पर इकट्ठा करके उसको नष्ट कर रहे हैं। और इसको आप सभी की उपस्थिति में नशा मुक्त का जो अभियान चल रहा है, उसके एक प्रारूप के रूप में देख रहे हैं।